यो 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 गाइस वेलकम आप सभी का WW2K23 के एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले में। आज का हमारा मैच बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं दोबारा से एक और कस्टम टैग टीम मैच। एंड गाइस आज की हमारी कस्टम टैग टीम होने वाली भाई टीम रोमन रेंज वर्सेस टीम कोडी रोड्स। तो भाई अपने ट्राइबल चीफ अपने रोमन रेंज के साथ होने वाले, उनके छोटे वाले भाई गोलमोल स्टार सोलो सिकोवा एंड अपने अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ होने वाले हैं भाई बीस्ट इनकार्नेट काउबॉय ब्रॉक लेसनर। तो कोडी और ब्रॉक आपस में अब तो फ्रेंड बन चुके हैं भाई, मेरी गेम में तो बन चुके हैं हमारे WW2K23 के यूनिवर्स के अंदर। बाकी आप लोगों को पता नहीं, मेरे को भाई आप लोग फ्रेंड मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन मेरे लिए तो कोडी और ब्रॉक भाई अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं और इनका समर स्लैम में कॉम्प्रो भी हो गया था वैसे तो। लेकिन ज्यादा ना बात करते हुए टीम रोमन वर्सेस टीम कोडी देखते हैं आज किसकी टीम इधर जीतेगी। बाकी इस कस्टम टैग टीम मैच को रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस जब तक मैच स्टार्ट हो रहा है आप लोग कर दो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कर देना ऑल पे, ताकि भाई जब भी मेरा नया वीडियो आया तो आपको इधर पता लग जाए। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा भाई, फटाफट से जाओ उसको सब्सक्राइब कर दो एंड 500 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट करा दो गाइस। लेट्स गो जी फैमिली, रेसलमेनिया बैकलैश स्टार्ट हो चुका है अपना, टीम रोमन वर्सेस टीम कोडी, रेफरी ने इशारा कर दिया चलो भाई हो जाओ चालू। एंड जैसा कि मेरे को पता था कोडी ने तो आते ही लपेटना ही लपेटना है भाई अपने रोमन रेंज ट्राइबल चीफ को। सामने ब्रोकी भाई होते तो उनके साथ भी ऐसा होता, लेकिन आज ब्रोकी भाई कोडी भाई की टीम में है। तो कोडी भाई और ब्रोकी भाई ये दोनों अपने भाई भाई देखते हैं इधर क्या करने वाले हैं और क्या आतंक मचाने वाले इस मैच के अंदर। बाकी अपना गोलमोल स्टार तो वो भी ओपी है एंड उनका भी देखेंगे क्या करेंगे वो। लेकिन दूसरा क्रॉस रोड्स इस मैच का पड़ चुका है और रोमन भाई दूसरे में ही निपट गया भाई। अरे बाप रे बाप, दो क्रॉस रोड्स में रोमन को सीधा बाहर कर दिया भाई। सोलो सिकोवा का बारी अब, ले भाई समोन स्पाइक खतरनाक। ब्रोकी भाई जल्दी आओ बचाने, ब्रोकी भाई जल्दी। ओके वन भी काउंट नहीं होने दिया ब्रॉक लेसनर ने, लेट्स गो बहुत बढ़िया। सोलो सिकोवा भाई अब भाई खुंदक वाले मूड में आ चुका है, ट्राइबल चीफ को गंदी तरीके से नॉकआउट कर दिया इधर एंड अपने ब्लड लाइन इन्फोर्सर को अब बहुत ही तगड़ा वाला गुस्सा आने वाला है भाई। अब अच्छे से ठुकाई करेगा इधर अपने अमेरिकन नाइटमेयर यानी कि कोडी रोड्स की। बाकी तो अभी सोलो खुद ही पिट रहा है, बाकी तो अभी सोलो को मैं थोड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ कि वो कोडी की थोड़ी अच्छे से खुटाई मतलब कुटाई करे या पिटाई करे, कुछ भी समझ लो यार ठीक है। बाकी ब्रॉक लेसनर आ चुके हैं इस मैच के अंदर और ब्रॉकी भाई के ऊपर थोड़ा सा हो सकता है गुस्सा उतरे, वो तो देखते हैं भाई अपने सोलो से गाओ इधर क्या करना जा रहे हैं। बाकी ओहो हो हो क्या बात है, बहुत बढ़िया समोन ड्रॉप था ना आई थिंक, हाँ समोन ड्रॉप था भाई। ओके मैं कंफ्यूज हो गया यार, समोन स्पाइक बोलने वाला था मैं, समोन ड्रॉप था वो, सॉरी ये मिस्टेक मेरी तरफ से थी, पर चलो कोई नहीं। ब्रॉकी भाई इधर F5 पे ले जा रहे थे यार, सोलो से गाओ गलत टाइम पे पकड़ा भाई, कोई नहीं यार। ब्लड लाइन भाई रोमन के साथ आज तो कुछ गलत ही कांड हो गया भाई, बहुत ही गलत ही क्या बहुत ही ज्यादा गलत कांड हो गया भाई। एक स्पेयर भी मारने को नहीं मिला बेचारे को, सीधा मैच से बाहर हो गया। समोन स्पाइक देखने को मिल सकता है लेकिन नहीं, अपने काउबॉय ब्रोकी भाई ने इधर, ओ भाई रोमन उधर देख रहा है गाइस, उधर दिख रहा था भाई पीछे बैक स्टेज जाता हुआ रोमन, हाँ बहुत ही ज्यादा निराशा के साथ, पर चलो कोई नहीं यार। अपना किमूरा लॉक मारा था इधर ब्रोकी भाई ने सोलो सिकोवा को, F5 देखने को मिल सकता है गोलमोल स्टार की तरफ से, लेकिन नहीं भाई अपना मूवती इन्होंने खराब कर दिया आई थिंक। समोन स्पाइक और ये ब्रॉक लेसनर को बहुत ही गंदा वाला डैमेज पड़ा है इधर। ओके ब्रोकी भाई के पास एक ही फिनिशर है, बहुत ज्यादा कम हेल्थ है, कोडी के पास अच्छा हेल्थ है लेकिन फिनिशर नहीं है। अरे भाई ये क्या सीन चल रहा है इधर दोनों ही बंदों के साथ। लेकिन टीम कोडी रोड्स मेरे हिसाब से तो अभी एडवांटेज में है कि वो इस मैच को जीत सकती है, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है इस मैच के अंदर। 3-स्टार मैच, ब्रोकी भाई ने लगा दिया F5 लेकिन रिवर्स कर दिया भाई सोलो सिकोवा, क्या बंदा है भाई खतरनाक। सोलो वर्सेस ब्रॉक हो रहा है, मैंने अपने किसी शायद गेम प्ले में बोला था सोलो वर्सेस ब्रॉक का कि इसका मैच भी कराएंगे, तो एक तरीके से हो ही गया भाई। दूसरा समोन स्पाइक भाई खतरनाक, ब्रॉक लेसनर गया, ब्रॉक लेसनर का रेसिलियंस, ओ भाई साहब कोडी ने बचा लिया इधर, लेट्स गो बहुत बढ़िया कोडी, बहुत बढ़िया अमेरिकन नाइटमेयर यू आर ओपी, क्या बात है एक नंबर। लेट्स गो ब्रॉक भाई, समोन स्पाइक मारो और इसे इस मैच से बाहर करो, लेट्स गो कमोन सोलो। वैसे ब्रोकी भाई के पास आई थिंक अपना वो है मूव थीफ एंड अभी तो रेजिलेंस है, लेकिन मूव थीफ से समोन स्पाइक ब्रॉक लेसनर भी मार सकते हैं, बाकी तो वो ब्रोकी भाई के ऊपर है। ओके बहुत ही बढ़िया क्लोज लाइन ब्रॉक लेसनर की तरफ से, लेट्स गो। कोडी को इधर टैग मिल चुका है फाइनली, आई थिंक कोडी इधर फिनिशर लाके मैच एंड करेगा भाई, जैसा कि हमेशा से होता आया है अपने अमेरिकन नाइटमेयर। वो नॉर्मली पिन करा रहे कोडी, बहुत बढ़िया क्या स्ट्रैटेजी है भाई अमेरिकन नाइटमेयर की, भाई बंदे में दिमाग है खतरनाक है भाई, खतरनाक वाला दिमाग है ठीक है। 3.5-स्टार मैच, कोडी और ब्रॉक की ये टैग टीम, अगर इसके साथ कोई और गेम प्ले देखना चाहते हो तो बताना जरूर। स्पिनिंग सोलो पड़ गया भाई कोडी रोड्स को खतरनाक, भाई पिट तो रहे हैं दोनों बंदे लेकिन एडवांटेज है, किस्मत आज इन दोनों का साथ दे रही है भाई अच्छी तरीके से। लेकिन सोलो सिकोवा का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है मेरे को भाई इस मैच के अंदर,
से को भाई पीटा तो बहुत है इन दोनों बंदों को, अच्छे से पीटा भाई। क्या समोन ड्रॉप मारा भाई, खतरनाक सोलो, क्या बात है भाई, बंदे ने दिल जीत लिया। सिग्नेचर आ चुका है सोलो के पास और ये सिग्नेचर भी लगा दिया, खतरनाक सोलो, क्या बात है। ओ भाई ब्लडलाइन इन्फोर्सर समोन स्पाइक को डीरोस एलिमिनेट, लेट्स गो। जैसा कि मैंने इधर बोला था भाई, इधर डैमेज ही बहुत ज्यादा ले लिया कोडी ने। ब्रोकी भाई नहीं, फिनिशर नहीं, डर्टी पिन कराओ, लेट्स गो। डर्टी पिन हो जाएगा क्या कनेक्ट? अरे 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 अरे, बच गया सोलो, हल्का सा बिल्कुल हल्के से रह गया। ओके लेट्स गो ब्रोकी भाई, अब दिखा दो सोलो कि आप किसी से कम नहीं हो। अपना बीस्ट, अपने कॉन्करर सबसे ज्यादा मतलब ओपी है भाई, अल्फा मेल है भाई, अपनी स्पीसीज का अल्फा मेल है ब्रॉक लेसनर। लेट्स गो, कम ऑन ब्रोकी भाई। बाकी सोलो सिको होगा, मेरे को लग रहा है आज दिन बनने वाला है इधर, ये बंदे हारते इधर जीतने वाले हैं। देखो भाई पीछे लिखवा भी रखा है बड़ा बड़ा ब्लड लाइन, एंड देखते हैं भाई इनकी ब्लड लाइन आज जीतने वाली है या फिर टीम कोडी रोड्स जीतेगी। ओके ब्रॉक लेसनर के पास लेट्स गो गाइस, फिनिशर आ चुका है। ब्रोकी भाई इधर F5 के लिए जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला इधर ब्रोकी भाई आई लव यू भाई, F5 कनेक्ट ब्रॉक लेसनर की तरफ से और मैच इधर एंड हो सकता है। अरे बाप रे बाप, सोलो नॉकआउट नहीं हुआ सोलो, लेकिन रेजिलेंस तो यूज कर लेगा अपना। अरे बाप रे बाप भाई, ये क्या हुआ यार, स्कैम हो गया टीम बुलेट लाइन के साथ। रोमन बहुत गाली बकेगा भाई इधर सोलो स्कॉ को बैक स्टेज में, भाई बंदे ने अपना रेजिलेंस यूज नहीं करा भाई। मैंने बोला था भाई आज इन दोनों बंदों का दिन है, ये बंदे भाई आज किस्मत इन पे मेहरबान थी शायद, पता नहीं भाई इतना पिटाई के बाद भी ये जीत कैसे गए। लेकिन खेले बहुत अच्छा और सोलो भी अच्छा खेला भाई, सोलो का भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। बाकी रोमन के साथ थोड़ा स्कैम हो गया, लेकिन भाई रोमन के साथ साथ एंड में आते आते सोलो सिकाओ के साथ भी स्कैम हो गया भाई, अपना रेजिलेंस बंदा यूज करना भूल गया। पर चलो कोई नहीं, टीम कोडी रोड्स इधर जीत चुकी है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।